नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के जनता के लिए बड़ा दिल क्या दिखाया, बिहार में सियासी बवाल मचा है। तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी बंगले में आरजेडी कोविड केयर सेंटर खोला और लगातार 2 दिनों से अपील कर रहे हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वीडियो संदेश के जरिए कि मुख्यमंत्री जी, इसका आप आइसोलेशन सेंटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर अस्पतालों में मरीजों को रखने के लिए बेड नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तेजस्वी यादव लगातार अपील कर रहे हैं। इससे पूर्व भी तेजस्वी यादव ने कहा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि हमने अपना सरकारी बंगला आपको दे दिया है, समझिए तो, और उसमें आप आरजेडी कोविड केयर सेंटर नहीं, उस वक्त तेजस्वी कह रहे थे कि आप एक कोविड अस्पताल बना लीजिए जिससे लोगों को बचाया जा सके, बिहार के लोगों को मरने से बचाइए। लेकिन जब तेजस्वी यादव ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली, घर में अस्पताल जैसी तस्वीरें बना दी, दिखा दी दुनिया को, तब अब विपक्ष जो है वो एकजुट है, लेकिन सत्तापक्ष हमलावर है। विपक्ष की आवाज़ लगातार उठाने वाले तेजस्वी बिहार की जनता के लिए अपना आवाज तक कुर्बान कर चुके हैं, लेकिन सत्तापक्ष हमलावर है। इस बीच आरजेडी के नेता व पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को लेकर। क्या कुछ कहा है जरा आप सुनिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के नाम से आवंटित एक पोलो रोड जो सरकारी बंगला है, उस बंगले के अंदर उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर सुसज्जित तरीके से बनाई और सरकार से आग्रह किया कि सरकार इसको संचालित करे या संचालन करने का निर्देशित करे, उसके लिए एनओसी दे। मुझे समझ में नहीं आता कि इनके जो चट्टे बट्टे जो इनके सरकारी पत्र बाँचते हैं उनको इतना भी जानकारी नहीं है कि सरकार जब तक अनुमति नहीं देगी या सरकार संचालित नहीं करेगी तो संचालित होगा कैसे। सबको पता है कि सरकारी आवास है, किसको ज्ञान बांट रहे हो। अगर भूखने का इतना ही शौक है तो तथ्यात्मक भूखिए, तथ्य से परे हटके क्यों बयान देते हैं। अरे एबीसीडी का ज्ञान नहीं है आपके आकाही का नेता पे कितना आएगा ज्ञान। हम नेता प्रतिपक्ष ने एक रोल मॉडल स्थापित किया, जानकारी नहीं है कि सरकारी आवास है, बताना पड़ेगा आपको। इसके अंदर ना संचालित करने के लिए जगह मुहैया हुई है ना कि हमारे यहाँ करिए, हम सुसज्जित करके दे दिया है, आप इसको संचालित करिए, संचालित करने का परमिशन दीजिए। तो आपदा का नियम पढ़ा रहे हैं, जानकारी नहीं है। तो आरजेडी नेता व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेहद करीबी शक्ति सिंह यादव जो हिलसा के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने बड़ा हमला बोला है जेडीयू और बीजेपी के नेताओं पर। उन्होंने नीतीश कुमार से अपील करते हुए कहा है कि जरा अपने चट्टे बट्टे को एबीसीडी का ज्ञान दे दीजिए, उन्हें सरकारी आवास और उसमें संचालित होने वाली गतिविधियों का ज्ञान नहीं है। वैसे भूखने वाले सप्लायर तो डिमांड पूरी करने में ही व्यस्त रहते होंगे, उन्हें क्या कख गघ का ज्ञान होगा। शक्ति सिंह यादव का ये बड़ा बयान बिहार में फिलहाल सियासी बवाल मचा है तेजस्वी के सरकारी बंगले में खुले आरजेडी कोविड केयर सेंटर को लेकर। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें, धन्यवाद।